हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस दैट इज प्रोवाइडिंग बाय योर स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मऊ प्रतापगढ़। आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा एंड टुडे आई एम हियर विथ योर इंग्लिश रीडर बुक फॉर क्लास 5। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ विल बी वेरी गुड एट योर होम एंड योर स्टडी इज गोइंग प्रॉपरली विथ योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ योर बुक दैट वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। ओके एवरीवन विल कम विथ योर बुक एंड अ पेंसिल इन योर हैंड विथ अ कॉपी। ओके सो एज यू नो दैट वी हैव डन अवर फर्स्ट चैप्टर क्वीन एलिजाबेथ in our previous classes, okay, and we were reading the new interesting story, that is chapter number 2, The Magic Brush. Okay, so The Magic Brush, we have done this passage. Okay, so today we are going to read from here The Next Boy, okay, from page number 11. Okay, and after the figure, here is the passage. The next day, agle din, बिल्लू वेंट टू द विलेज एंड गैदर्ड ऑल पुअर पीपुल। गैदर्ड का मतलब होगा बच्चों इकट्ठा करना। ओके अगले दिन बिल्लू गांव में गया और सारे गरीब लोगों को इकट्ठा किया। विथ हिज मैजिक गोल्डन ब्रश, अपने जादुई सुनहरे ब्रश के साथ ही पेंटेड फूड, उसने खाना पेंट किया। हॉट स्टीमिंग राइस, गरम चावल, करी, दाल एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट, और सभी प्रकार के फल, विच ही फेड देम, जो उसने उन्हें दिया। द पीपुल ब्लेस्ड हिम एंड विश्ड हिम हैप्पीनेस। ब्लेस्ड का मतलब होना बच्चों आशीर्वाद देना एंड विश्ड का मतलब होना कामना करना। ओके लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी खुशी की कामना की। ओके वंस द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली फेल इल, एक बार राजकुमारी शाही परिवार की राजकुमारी बीमार हुई। विथ अ सीरियस डिजीज, एक सीरियस या फिर खतरनाक बीमारी के कारण। द रॉयल डॉक्टर टोल्ड, शाही डॉक्टर ने, रॉयल का मतलब होगा बच्चों शाही। ओके शाही डॉक्टर ने बताया दैट किंग, राजा से, द प्रिंसेस डिजीज कैन बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब होना बच्चों ठीक होना या देखभाल होना। द प्रिंसेस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हर एन एप्पल ऑफ ग्रीन कलर वर्नी। ओके डॉक्टर ने बताया कि प्रिंस राजकुमारी ठीक हो सकती हैं केवल अगर उन्हें हरे कलर का सेब दिया जाए तो। ओके द किंग इमिडिएटली ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने तुरंत अपने व्यक्तियों को ऑर्डर दिया, अपने आदमियों को, टू ब्रिंग हिम द ग्रीन एप्पल फॉर हिज डॉटर, अपनी पुत्री के लिए हरा सेब लाने के लिए। ओके द मैन वेंट इन द सर्च ऑफ ग्रीन एप्पल, लोग हरे सेब की खोज में गए, बट आफ्टर ए वीक, लेकिन एक हफ्ते के बाद, दे रिटर्न बैक, वे वापस आए टू द पैलेस विदाउट एनी रिजल्ट, वे महल में वापस आ गए बिना किसी परिणाम के। ओके Everybody was sad, सभी दुखी थे, and dejected in the kingdom, और उदास, dejected का मतलब होना बच्चों उदास। ओके और दरबार में सब लोग उदास थे। Meantime, उसी समय बिल्लू came to the royal court, बिल्लू शाही दरबार में आया, and requested there to meet the king, और प्रार्थना की राजा से मिलने के लिए। He told the guard, उसने दरबान को बताया, guard का मतलब दरबान होते हैं जो गेट के पास होते हैं, दैट ही हैड द मेडिसिन फॉर द किंग्स डॉटर, और उसने बताया कि उनके पास राजा की पुत्री के लिए दवा है। द गॉड पास द मैसेज टू द किंग, गार्ड ने वो मैसेज, वो संदेश राजा के पास पहुंचाया। ओके द किंग इमिडिएटली ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग बिल्लू बिफोर हिम, राजा ने तुरंत आदेश दिया बिल्लू को उनके सामने लाने के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, इफ यू वेक अप माई डॉटर अप, अगर तुम मेरी पुत्री को उठा दोगे, आई विल गिव यू एनी थिंग यू डिज़ायर, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम इच्छा करोगे। बिल्लू टुक आउट हिज मैजिक ब्रश, बिल्लू ने अपना जादुई ब्रश निकाला। ओके नाउ द नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 12, या एंड ड्रू अ ग्रीन एप्पल ऑन द कैनवास। कैनवास का मतलब होता है बच्चों वो पट्टी जिस पे पेंटिंग की जाती है। ओके और उसने ग्रीन एप्पल, हरा सेब, कैनवास पर पेंट किया। द ग्रीन एप्पल ऑन द कैनवास बिकम रियल, कैनवास पर हरा सेब वास्तविक रूप में आ गया या फिर सच बन गया। एवरीबडी प्रेजेंट देयर वॉज स्टंट एट द बॉयज मैजिक, और सभी वहाँ पर मौजूद लोग लड़के के इस जादू से, स्टंट का मतलब हैरान होना। ओके परेशान, हैरान थे। द बॉय गेव द ग्रीन एप्पल टू द रॉयल डॉक्टर, लड़के ने हरा सेब डॉक्टर को दिया। द डॉक्टर पुट द ग्रीन एप्पल्स ऑन द लिप्स ऑफ प्रिंसेस,
डॉक्टर ने हरा सेब राजकुमारी के होठों पर रखा एंड एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप द प्रिंसेस वोक अप, राजकुमारी उठ गई एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड प्रेजिंग बिल्लू एंड हिज मैजिक ब्रश, और सभी लोगों ने बिल्लू के जादुई ब्रश की तारीफ करना शुरू की। ओके, नाउ द किंग आस्क्ड बिल्लू, अब राजा ने बिल्लू से कहा अबाउट हिज रिवॉर्ड ऑन विच बिल्लू सेट, उस पुरस्कार के बारे में जो उन्होंने बिल्लू से कहा था। बिल्लू ने कहा आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फॉर मी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। देयर आर मेनी पीपुल इन योर किंगडम, आपके राज्य में बहुत लोग हैं हु आर वेरी पुअर, जो बहुत गरीब हैं, एंड दे लिव्ड देयर लाइव्स ऑन वन टाइम मील ओनली, और वे अपना जीवन केवल एक समय भोजन के लिए बिताते हैं। सो प्रोवाइड देम सूटेबल जॉब्स इन योर पैलेस, सो प्रोवाइड का मतलब होगा बच्चों प्रदान करना। ओके, सूटेबल का मतलब होगा कंफर्टेबल या निश्चित। ओके, तो उन्हें एक निश्चित नौकरी प्रदान कीजिए अपने दरबार में या अपने राज्य में। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। ओके, द किंग वॉज फ्लैबर गैस्टेड, फ्लैबर गैस्टेड का मतलब होना बच्चों स्तंभित होना या सरप्राइज्ड होना। एट द बॉय विश, राजा लड़के की इस इच्छा से स्तंभित थे या फिर आश्चर्यचकित थे। द किंग ऑफर्ड हिम अ गुड पोजिशन इन हिज किंगडम, ऑफर्ड का मतलब प्रस्ताव रखना एंड गुड पोजिशन का मतलब एक स्थान। ओके, और राजा ने उसे अपने दरबार में एक अच्छी पोजिशन अच्छे स्थान के लिए प्रस्ताव रखा एंड ही फुलफिल्ड हिज विश ऑल्सो, और उसकी इच्छा को भी पूरी की। ओके, एवरीबॉडी प्रेज्ड बिल्लू फॉर हिज काइंड बिहेवियर, प्रेज्ड का मतलब होगा बच्चों प्रार्थना करना, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। ओके, सो सभी ने बिल्लू के इस दयालु व्यवहार की तारीफ की। ओके, सो नाउ द चैप्टर रीडिंग हैज एंडेड, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द वर्ल्ड मीनिंग। ओके,